गुड मॉर्निंग इंडिया, क्या हाल चाल है आप लोगों के लिए और हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों के लिए। आज साल का पहला दिन है, 2023 स्टार्ट हो गई है और आप लोग देख सकते हैं मैं किस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ। ये मेरा फर्स्ट बेस कैंप था रात, आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में जैसा बताया था, और हल्का हल्का स्नोफॉल जैसा लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि ओस गिरी है, वो जम गई है पूरी। तो ऐसा कुछ नज़ारा आ रहा है हमारे यहाँ से है टेंट का पूरा, ये सब देख सकते हैं, पूरा टेंट ही टेंट पूरा वाइट हो रखा है। जब मैं सुबह उठा था इधर लाइन से मेरे टेंट हैं, ठीक है ना, और ये बीच में लेक थी छोटा सा, मतलब पाउंड टाइप का है, वो भी पूरा जम चुका है। रात कल थोड़ा सा था बट आज पूरा जम गया है ये। तो फाइनली हम लोगों ने अपने बैकपैक ले लिए हैं और ये बेस कैंप हम छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 6 किलोमीटर की आज चढ़ाई चढ़ेंगे और पहुंचते हैं सेकंड बेस कैंप पर। अभी दूर से देख रहे थे, पास से देखते हैं इसे। वाह भाई, बर्फ जम रही है इस पे भी, हल्के हल्के। हेलो, एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल सामने है, पीछे की तो ब्यूटी हम लोग देख ही रहे थे, बट जो ये है ना, ऑसम है यार। वाह, बर्फ के ही पहाड़ हैं सारे। अभी हम आ चुके हैं 3199 मीटर्स, 10495 फीट की हाइट पर, बेकलताल ट्रैक। और ये कुछ मेरी हालत हो रखी है इस समय, और सामने बहुत ही प्यारा व्यू है ऊपर टॉप पे, और मेरे पीछे भी आप देख सकते हो, ये देखिए ऊपर का बिल्कुल टॉप पे है, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। बादल बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वाले हो चुके हैं, पूरे ब्लैक ब्लैक। अब अगर स्नोफॉल पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर एरिया और मज़ा आ रहा है यार, मतलब ट्रैक में काफ़ी मज़ा आ रहा है। आज भी लगभग 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई, मैं 4 बोला था बट 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई है पूरी, लेकिन जो यहाँ का फील है ना भाई, मतलब बता नहीं सकता हूँ, चारों तरफ जन्नत है पूरी। मतलब अलग ही फील है यहाँ का पूरा, मतलब बहुत अच्छे नज़ारे हैं। बिल्कुल टॉप पर है हम लोग पहाड़ी के, अभी इसके ऊपर और जाना हमें, फिर वहाँ से आज रात में लगभग 3 बजे हमारी ऊपर की और चढ़ाई होगी, जहाँ पे हमारा समिट है, समिट पूरा करेंगे और एक ही दिन में हम ये पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 तारीख को हमें बरेली पहुँचना है। मेरी लाइफ का पहला ट्रैक है ये ब्रह्मताल ट्रैक, इसके ऊपर और ट्रैक करने का प्लान कर रहे हैं। मोहित भैया वगैरह बोल रहे हैं कि और भी ट्रैक करेंगे बड़े बड़े, तो उसका प्लान कर रहे हैं, लेकिन बॉडी को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि हम इसके और ऊपर हाइट पे जा पाएँ, क्योंकि यही ट्रैक लगभग 12,000 फीट की हाइट पर है, तो हमें काफ़ी ऊपर आना है अभी। और तो अगर हमें करना है अच्छी ट्रैक और, तो बॉडी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो यार सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है ये, अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है, बस बाइक में छोटी सी प्रॉब्लम आई है, वो अभी दिखाई नहीं है, लास्ट में दिखाऊंगा।
कि कोहरा बहुत होता है नीचे, बट पहाड़ों पे कोहरा नहीं होता। जो आप मेरे पीछे पूरा देख रहे हो ना, चारों तरफ जो पूरा देख रहे हो, ये सब बादल है। और इस समय हम बादलों के बीच में हैं बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सच में यार, मैं लास्ट ईयर मनाली गया था, 50-60 हज़ार रुपये खर्च किया था, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया था जितना यहाँ। बहुत ही कम पैसा खर्च करके मज़ा आया है, मतलब मनाली का 110 मान के चलो। इतना कम पैसे में पूरा ट्रैक हो रहा है, खाना पीना एकदम मस्त है, मोटर राइड भी हो गई, अपनी बाइक से राइडिंग भी हो गई है, सारी चीज़ें। लेकिन जो व्यू आ रहा है ना, बिल्कुल टॉप पे आके ऐसा लग रहा है बादलों के बीच में ही बैठे हैं, और ऊपर बादल भी ब्लैक हो रखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्नोफॉल हो सकता है। तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि स्नोफॉल। क्या हाल चाल है आप लोगों के लिए? और अभी हम आ चुके हैं ब्रह्मताल लेक, यही हमारा बेस कैंप है, और इस बेस कैंप के पास में ही हमारा ये लेक है पूरी, और बहुत ही सुंदर लेक लग रही है, देख सकते हैं पूरी फ्रोजन हो रखी है। और जो सामने वाला एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने मेडिटेशन किया था कई साल बैठ के, सुना जाता है जो भी स्टोरी है इस लेक की, इस एरिया की, तो आप देख सकते हैं। और अभी छोटा हल्का फुल्का स्नोफॉल भी हुआ था आप लोगों में, तो हल्का फुल्का भी स्नोफॉल भी हुआ था। स्नोफॉल में मतलब हल्के हल्के छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल आए थे। और अभी देखा है कि अभी सूरज डूब चुका है, तो अब हो सकता है कि और अच्छा हमें व्यू में देखने को मिले। तो अगर व्यू देखने के हिसाब से देखें तो आप सामने देखिए, पूरे बादली बादल दिखाई दे रहे हैं एकदम मस्त। और अभी अंधेरा होने वाला है, अभी खाना दिखाएंगे। यार यहाँ का खाना इन लोगों ने इतना प्यारा दिया है, हमारे जो भी कैंप वाले हैं, बहुत ही सुंदर खाना दिया हुआ है, तो मज़ा आ रहा है। और अभी जाएंगे आज किचन दिखाएंगे आपको यहाँ का कैसा किचन है। और अभी लेक देखिए आप लोग, और दो चार सिनेमैटिक निकालते हैं बढ़िया बढ़िया और दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा किचन है रफ्तार वालों का, जिनकी जो कंपनी है रफ्तार करके, रफ्तार एडवेंचर। तो ये भैया है, बहुत बढ़िया खाना खिला रहे हैं, देख सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अलम सिंह सतवाल। और भैया आपका? गुड्डू भैया है। और एक हमारे, ये हमारे मतलब कुक भी बन गए आके यहाँ पर, अभी तक हमारे गाइड भी थे। तो खाना बहुत बढ़िया भैया ने खिलाया है, तो आपको दिखाते हैं। दोनों लोग लगे हुए हैं एकदम बढ़िया से। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपने देखा भी होगा कितनी मस्त दाल है, क्या क्या है, सेवई है, कद्दू है, दाल चावल, रोटी स्वीट्स में अपनी सिमई रहेंगी। तो भैया ये सब देखिए, ये सिर्फ दो लोग मिलके बना रहे हैं, आप लोग ये देख रहे हैं ना। और अभी हम लोग हाइट, कितनी हाइट पर है लोगों, ये कौन से लगता है भैया? देखिए कद्दू जम गया है ये कद्दू खिला रहे, देखो जम गया है भाई, इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। और अभी हम लोग ब्रह्मताल पे आ गए हैं, जो आपको बताया था मेन, यहाँ पे हमें पूरा ट्रैक करना था, वहाँ पहुँच चुके हैं। और भैया का किचन बस दिखाने को रह गया था, तो हमने कहा किचन दिखाते हैं भैया का एकदम बढ़िया से। और आसमान में बादल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो होगा तो शायद बर्फबारी भी होगी रात में, तो देखते हैं, वरना सुबह मिलेगी दिखाएंगे आपको। अब ये बोले कि मैं ब्याह नहीं करूंगा, आप मत करना ऐसा, ब्याह मत करो तब तक मौज कर लूं। उसका भी सेम है भैया, ब्याह नहीं करना है भी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ब्याह नहीं करना इसका थोड़ा लेनी नहीं है। दोबारा तुम जाओगे खोल के, नहीं मत जाओ।